क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु में कोई मुमासलत पाई जाती है? अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन कीप ऑन वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहित जमशेद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मेरी जानिब से प्यार और मोहब्बत भरा सलाम मेरी तमाम फैमिली के लिए। आप जो भी हैं, आप जहां भी हैं, आप सब मेरी फैमिली हैं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप के सब बहुत अच्छा होगा एंड आई जस्ट प्रे के सब बहुत अच्छा रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूं, इस चैनल पर हम इस्लाम का एक मुस्बित पहलू उजागर करते हैं और जदीद साइंसी तहकीकात को कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए, बातें बहुत हो चुकी हैं, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जैसा कि आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु में कोई मुताबकत या मुमासलत पाई जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के वाकयात बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी एक बादशाह था जो कि बहुत जालिम था, उसका नाम हेरोद था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसके जालिमाना, काफिराना और नाजेबा हरकात और सकनात के खिलाफ नारे हक बुलंद किया था। बिल्कुल इसी तरह हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ जालिम बादशाह यजीद था। वो जानता था कि अगर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके जुल्म के खिलाफ नारे हक बुलंद किया तो उसका तख्त हुकूमत तख्ता दार में बदल जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि मसायब व मुश्किलात में भी हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में बहुत मुमासलत पाई जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 40 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई जिसमें से एक कोड़ा रहम की खातिर छोड़ दिया गया। यूं उनके जिस्म अक़दस पर 39 जख्म आए। तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर 33 जख्म बर्छियों से और 39 जख्म तलवारों से आए। ये जख्म उन तीरों के अलावा थे जिन्होंने उनके जिस्म अक़दस को छलनी कर दिया था। बाइबल के मुताबिक जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारा जा रहा था उस वक्त उनके कुर्ते को हासिल करने के लिए रोम के फौजी जुआ खेल रहे थे। तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब शहीद कर दिया गया तब उनके कुर्ते को इसहाक बिन हैवा हजरमी ने चुराया, उनके पजामे को बाहर बिन काब तमीमी ने चुराया, उनके इमामे को अखनास बिन मुर्शिद हजरमी ने चुराया और उनकी नालन पाक को असवद बिन खालिद ने चुराया। यूं मेरे इमाम पाक का जसद अक्दस करबला की सरजमीन पर बेगोर और बेकफन मौजूद था। बाइबल के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में कीलें ठोकी गईं तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की उंगली में मौजूद अंगूठी को हासिल करने के लिए बजदल बिन सलीम कल्बी ने उनकी उंगली के नीचे पत्थर रखकर नेजे से एक ऐसा कारी वार मारा कि उनकी उंगली ही उनके तन से जुदा हो गई। बाइबल के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम का खून इसलिए बहाया गया ताकि इंसानियत के गुनाह धोए जा सके। तो इस्लाम के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद इसीलिए किया गया ताकि कल कयामत के रोज हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत उम्मत मुस्लिमा के लिए मुसल्लम हो सके। बाइबल में मौजूद है कि जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तकालीफ पहुंचाई जा रही थी उस वक्त उन्होंने कहा, ऐ परवरदिगार इन्हें माफ फरमा कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला में ये नारा बुलंद किया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मेरे कत्ल के बगैर कायम नहीं रह सकता तो ऐ तलवारों आओ और मुझे कत्ल कर डालो। आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु दोनों अपने अपने वक्तों के इनकलाबी रहनुमा थे। उन्होंने हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया और जुल्म और जबर के खिलाफ जंग करते रहे और उन दोनों ने इंसानियत को अब्दी बका दे दी। कलमा हक की सदा का बुलंद करना दोनों का जुर्म बना जिसकी पादाश में एक को आसमान पर और दूसरे के सर को नेजे पर बुलंद कर दिया गया। इसी के साथ इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जाते जाते एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता चलूं, जिंदगी में कितनी मुश्किलात क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हर वक्त आपके साथ है। उस पर तवक्कल करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, सुन्नत भी है और सदका जारी है। एंड गेस व्हाट, यू लुक गुड टू। दिस इज मी डॉक्टर मोहित जमशेद साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी।